अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल फ्राई मटन चाप की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। तो इस तरह से हैं, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, रेड लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, प्याज 1 बोल मैंने यहाँ पर काट ली है, दही 1 बोल और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/2 kg मैंने यहाँ पर मटन की चाप ली है, इनको वॉश कर लिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है। सबसे पहले हम चाप को मैरिनेट करेंगे। 1 बोल के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे और दही ऐड करेंगे। और सारे मसाले ऐड करेंगे। और इनको अच्छे से कलर डालकर मिक्स कर लेंगे। फूड कलर आप इसकी भी कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इनको एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको ढककर 1 या 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। 2 घंटे के बाद चाप को हम एक कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि दही भी है इसके अंदर और सारे मसाले हैं, तो इसके अंदर ये पानी खुद ही छोड़ देगा दही। हमें इसको बिना पानी डाले ही कुक करना है। कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगाकर इसको हमें 1 या 2 सीटी आने तक कुक करना है। इससे हमारी चाप अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। ज़्यादा हमें इनको टेंडर नहीं करना है। 2 सीटी आने के बाद प्रेशर कुकर के लिए हटाएंगे। अब इसके अंदर पानी है, देखिए इस पानी को हमें लिड हटा कर ही खुश्क करना है। हाई फ्लेम पर हमें इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे जिससे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। चाप का हम इनको प्रेशर कुकर से निकाल लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई या फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालकर ऑयल को तेज़ गर्म करेंगे। उसके बाद चाप उसके अंदर डालकर फ्लेम को मीडियम कर देंगे जिससे हमारी चाप अच्छे से क्रिस्पी और अंदर तक सिक जाएंगे। उसके बाद इनको फ्लिप कर देंगे। 3 से 4 मिनट हमें इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छे से हमारी चाप फ्राई हो चुकी है। अब इनको डिश आउट करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी हमारी चाप तैयार हुई है। प्याज और हरे धनिया की चटनी के साथ, नींबू के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे बकरीद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये इजी और सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।